अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है आफरीन। उन्होंने मुझसे ये हेयर पैक के बारे में पूछा था कि बालों को हेल्दी रखने के लिए, बालों में शाइनिंग लाने के लिए और बाल जो बेजान हो गए हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने खास उन लोगों के लिए बनाई है। बहुत मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये जो हेयर पैक है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने लिया है ये एक अंडा और दूसरी चीज़ जो है ये मलाई है, एकदम फ्रेश मलाई है। और ये कोकोनट ऑयल है, 100% प्योर है। और बाद में मैंने ये लिया है ट्रेसेमे कैरेटिन स्मूथ कंडीशनर। ये चार चीज़ें आप लोगों को लेनी हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अंडे को अच्छे से फेंट लीजिए। अंडे को फेंट लेंगे जब आप अच्छे से, तो उसके बाद आपको इसमें ये सारी जो क्रीम है ये ऐड करनी, यानी मलाई है जो ये आप लोगों को ऐड कर लेनी है। ये मैंने भर भर के 2 चम्मच मैंने इसमें ये क्रीम ली हुई है और ये सारी क्रीम जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए गाइस, ये मलाई को ऐड करने के बाद आपको इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करना है। ठीक है, 2 चम्मच भर भर के आप लोगों को कोकोनट ऑयल इसमें ऐड करना है। ये अनमोल, डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल है, 100% प्योर है, बहुत अच्छा ऑयल होता है ये। और ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद आपको जो ट्रेसेमे कंडीशनर है, ज़रूरी नहीं कि कोई ट्रेसेमे कंडीशनर ही हो आपके पास, आपके पास कोई भी कंडीशनर हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चम्मच भर के आप लोगों को कंडीशनर ऐड कर लेना है। कंडीशनर ऐड करने के बाद अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, मैं एक अच्छा सा पेस्ट बना ले रही हूँ इसका, और पेस्ट मेरा रेडी हो चुका है। और अब मैं अपने बालों पे लगाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बालों को पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जो हमने क्रीम ली थी गाइस, यानी कि जो हमने मलाई ली थी वो आपके डैमेज और ड्राई हेयर जो होते हैं उसको दूर करती है। ठीक है, मलाई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके बालों को हाइड्रेटेड रखती है। आप नॉर्मली मलाई पैक भी अपने बालों में लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमने इंग्रेडिएंट लिया था वो हमने लिया है एग। बालों के लिए अंडा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बालों में नेचुरल शाइन जो आती है वो एग से ही आती है। अगर आप एग का पैक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अंडा लगा रहे हैं बालों में, तो समझ लीजिए आपके बालों में नेचुरली चमक बनी रहेगी और जो ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से होती है। हाँ, अगर आपको स्मेल लगती है तो आप जो एग योक होता है वो आप निकाल सकते हैं, आप वाइट उसका एग का वाइट पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वाइट पार्ट होता है एग का वो आपके बालों को सिल्की स्मूथ बनाएगा, और जो येलो पार्ट होता है उससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा ही एग लिया है अपने बालों में। और जो थर्ड चीज़ हमने ली है वो ली है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली अगर हमने उसको एग के साथ मिक्स कर लिया है तो समझ लीजिए आपके बालों की ग्रोथ होनी ही है। बालों की ग्रोथ के लिए कोकोनट ऑयल और एग का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त रहता है। फोर्थ जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो हमने कंडीशनर यूज़ किया है। कंडीशनर बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। बालों, आप लोगों को कंडीशनर तो ज़रूर लगाना चाहिए बालों में शैम्पू करने के बाद। ओके, क्योंकि अगर आप कंडीशनर नहीं लगाएंगे तो आपके बाल जो हैं वो ड्राई रहेंगे। बालों में आपके ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए गाइस, तब आप कंडीशनर अप्लाई करें। कोकोनट ऑयल को रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके जहाँ पर बाल रिमूव हो गए हैं वहाँ पर आपके बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए कोकोनट ऑयल भी हमने इस पैक में ऐड किया है। तो ये हेयर जो पैक मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। आप लोग वीक में 2 बार इस पैक को ज़रूर यूज़ करिए। ठीक है, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हैं और ड्राई हो रहे हैं, तो ये पैक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, मैं पर्सनली इस पैक को यूज़ करती हूँ, मुझे ये पैक बेहद पसंद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होएं, खुश रहिए और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से भी हमारे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और आधी जो प्रॉब्लम है हमारे बालों की वो हमारी हमें टेंशन से होती है। इसलिए खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हंसीए,
टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए आप लोग, अच्छे से खाएं पिएं, अपनी डाइट का ख्याल रखिए। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से लेना है, आपको ज़्यादातर इनका यूज़ करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। आपको कोकोनट भी खाना है, आपको नारियल अपने खाने में शामिल करना है, इससे आपके बालों की जो ग्रोथ है वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये पैक देखिए गाइस मैंने लगा लिया है, और अब मैं क्या करूँगी, 45 मिनट तक वेट करूँगी, 45 मिनट के बाद मैं अपने बालों को वॉश करके आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। सो 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और ये देखिए मेरे बालों का टेक्सचर, मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लाइव रिज़ल्ट है, और ये बालों में देखिए कितनी ज़्यादा शाइनिंग मेरे ऑलरेडी आ चुकी है। मैंने अभी अपने बालों को ठीक से ड्राई भी नहीं किया है गाइस, बस आगे के मेरे बाल जो ड्राई हो गए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। देखिए इनकी शाइनिंग जो है वो कितनी ज़्यादा है, और मुझे एकदम सॉफ्टनेस फील हो रही है। मुझे पैक बेहद पसंद है। आप लोगों की हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप इस पैक को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर ज़रूर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मैं फिर हाज़िर होंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।